हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफस्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो आज भाई किसके आने का इतना ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है और ये खाने बन रहे हैं। मटन कोरमा बना रही हूँ और सारी साफ सफाई मैंने कर दी है और तो बस अभी मैंने नहा लिया है और दुपट्टा मैंने वही लिया है जो मैंने पहले ली थी और दुपट्टा मैंने चेंज नहीं किया, मैंने कुर्ती चेंज की है। और ये कुर्ती आप लोगों ने देखी होगी, ये कुर्ती मैंने मीशो से मंगाई हुई थी। ये कुर्ती मैंने मीशो से मंगाई हुई थी और बस यहाँ पे जो है कि मटन कोरमा बन रहा है, साथ ही मैं यहाँ पे लौकी की सब्जी बना रही हूँ। एकदम ताज़ी लौकी थी और बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो मैं सोच रही थी शायद पापा जी अगर मटन नहीं खाएंगे तो फिर मैं ये वाली सब्जी दे दूँगी उनको, तो इसलिए मेरे को दो दो सब्जी बनानी पड़ी है। और हाँ, और कुछ मैं नहीं बना रही हूँ, सिर्फ खाने में यही है। चलिए फिर मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि कौन आने वाला है हमारे घर पे। और सबसे पहले आगे दिखा देती हूँ अपनी बैठक वगैरह मैंने किस तरह से थोड़ा सा सजाई हुई है। तो चलिए फिर आगे रूम में चलते हैं, फिर मैं आप लोगों से। और जो है कि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है अभी, तो इसी की वजह से आप लोगों का अंधेरा भी दिखेगा। लाइट नहीं है हमारे यहाँ। तो ये टेबल हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग नाश्ता। और ये सोफ़ा और ये फ्लावर पॉट जो था ना, वो मैं यहाँ ले आई थी। ये फ्लावर पॉट मैंने यहाँ रख दिया है और बस ये है कुछ इस तरह से। सोफ़ा इस तरह से लगा दिया है और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, हम लोगों ने नहा लिया है, सारे काम हो चुके हैं और बस अभी किसी के आने का यहाँ वेट किया जा रहा है। यहाँ पे अभी टाइम भी देख लीजिए आप लोग कि क्या टाइम हो रहा है, यहाँ पे 11 बज रहे हैं और लाइट अभी नहीं आई हमारे यहाँ। लाइट आएगी 1 बजे। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं, सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो झटपट से पहले खाना बना लेते हैं। तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, तुरंत मैंने पहले सोचा कि चलो पहले सालन बना लेते हैं, उसके बाद में ही मैं अपना जो नाश्ता पानी है वो करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि भाई और भाभी के आने से पहले मैं सारे कामों से फारिग हो जाऊँ, ताकि मैं उनके साथ में बैठ के बातें कर सकें, हम लोग गपशप कर सकें, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा हम लोगों को उनके साथ में स्पेंड करने के लिए। क्योंकि बातें तो देखो आप लोगों को पता है कि जब मायके से कोई आता है तो इतनी सारी बातें होती हैं, या कहीं से भी कोई आता है, ज़रूरी नहीं मायके से ही, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो जितनी भी करो ना कम पड़ जाती हैं दिन। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सारे कामों से फारिग होने के बाद में मैं फटाफट से कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग जो है कि उनके साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है कि ना, मैं मटन का सालन बना रही हूँ, मटन कोरमा। तो बस इस तरीके से मैं बनाती हूँ, जो भी मैं आप लोगों को पहले रेसिपी दे चुकी हूँ इसकी। तो बस सिंपल जैसे बनाया जाता है मटन कोरमा, उसी तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर ये सारे ड्राई मसाले मैंने ले लिए हैं और नमक मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिया था, ताकि इसमें जो मटन है, मटन के पीसेस, इसमें अच्छे से नमक लग जाए। और ये इसका मसाला अच्छे से सूख गया था, पानी सूख गया था। उसके बाद में अभी मैं इसमें ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही में आप लोग देख रहे होगे ना, उस वाले पैन में बन रहा है सेवई की खीर, तो ये हम लोग नाश्ता करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों की हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है। और आप लोगों को एक बात मैं बताऊं, आप लोग बोलोगे कि भाभी आ रही हैं और कोई दिख नहीं रहा है वीडियो में, तो वो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो वीडियो है ना, ये 6 तारीख का है, यानी कि 6 दिसंबर का है, क्योंकि उसी दिन भाई भाभी आए थे और उस दिन बच्चे और बाजी भैया कोई भी नहीं आया था, वो मुरैना में ही थे। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया था, ये कुछ जो वीडियो क्लिप थी वो मुझसे डिलीट हो गई थी, तो इसी वजह से मैं उस टाइम पर वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो सोचा चलो अब थोड़ी बहुत मुझे वीडियो जो है कि क्लिप मिल गई हैं, तो अभी मैं डाल देती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों फिर से मुझे कमेंट मत करना, क्योंकि ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी है कि ये जो वीडियो है ये 6 तारीख का है। और इस वक्त जो है कि हम लोग घर में, मैं, हस्बैंड और पापा जी ही हैं, बाकी कोई नहीं है।
तो यहाँ पे जो है कि मैंने 1.5 kg मटन ये लेकर आ गए थे, तो बस वही बना रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई को मेरे पसंद आया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी मेरी तारीफ़ नहीं की है इतनी, लेकिन अभी जो है कि भाई भाभी ने बहुत तारीफ़ की कि मटन बहुत अच्छा बनाया था, सब ने ही बहुत तारीफ़ की थी। तो थैंक यू सो मच भाई। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं बता भी चुकी हूँ शायद पहले आप लोगों को, मैं खाने वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेती थी पहले, बनाने में सॉरी, पहले मम्मी ही बनाती थी। जो भी कोई गेस्ट भी अगर गेस्ट वगैरह भी आते थे हमारे घर पे, तो मम्मी ही खाना बनाती थी, तो मैं सिर्फ हेल्प करती थी मम्मी की, बाकी सब खाना मम्मी ही बनाती थी। तो बस यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो मटन था वो अच्छे सा उसके साथ में भुन गया है मसाले के साथ में। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा गलाना है मुझे, इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसमें 3-4 विसल लगाऊंगी मैं, और बीच में नहीं है, फिर मैं लास्ट में ही चेक करूंगी इसको। तो ये सालन में मैंने चख लिया था, टेस्ट कर लिया था, तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया है। और अभी बस मैं इसमें इसका लिड लगा दूंगी और उसके बाद में विसल आने दूंगी। तो हमारी यहाँ पे सेवई की खीर बन चुकी है, तो हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तो पापा जी को तो मैंने सुबह ही दे दिया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया था, और मैं सोच रही थी कि खाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि खीर ना बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको चलो प्लेट में कर लेते हैं, उसके बाद ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी और हम लोग जल्दी से नाश्ता भी कर सकेंगे। और मैं जल्दी जल्दी से काम इसलिए निपटा रही हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ बैठना भी है इसीलिए। और यहाँ पे देख लीजिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी, जो कि मेरे नानी के तरीके से बना रही हूँ। नानी मेरी लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, एकदम ऐसी लगती है जैसे हम फिश करी खा रहे हैं, तो बस इसीलिए यहाँ पे उन्हीं के तरीके से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे ये मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया है, और ये लौकी वगैरह भी निकाल करके रख लिए, कुछ मसाले भी निकाल करके रख लिए हैं खड़े। और आंटी का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि आंटी भी मतलब 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक नहीं आई थी, तो सारे काम फिर मुझे ही करने थे, इसलिए मैंने फटाफट फटाफट से सारे काम किए। और बस यहाँ पे देख लीजिए ये जो लौकी की सब्ज़ी है ना, इसको जीरे में और साथ ही में मेथी दाने में भगारा जाता है, ताकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और आप लोग भी अगर इस तरह से बनाए तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस तरह से लौकी की सब्ज़ी बनाई हुई। और यहाँ पे बस वही सूखे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सारे मसाले। इसको मसाले को अच्छे से भुनने दूंगी, और जब लौकी को मैं इस तरह से नहीं काटूंगी, मैं लौकी को गोल गोल काटूंगी ताकि शेप बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ पे जो मटन था ये अच्छे से गल चुका था, मैंने इसको चेक कर लिया था, तो अभी मैंने इसको भुनने के लिए रख दिया है और ये अच्छे से भुनेगा, और बस अभी यही चल रहा है। तो बस तब तक मटन हमारा अच्छे से भुन रहा है और सब्ज़ी हमारी लौकी की बन रही है, तब तक मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे नाश्ता, क्योंकि घर में कोई है नहीं, करने मुझे ही हैं सारे काम। और फटाफट फटाफट से पहले मैं ये नाश्ता लगा देती हूँ ताकि मैं उनके साथ में बैठ सकूँ, बातें कर सकूँ, और फिर मेहमान अगर आ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता उनके सामने नाश्ता निकालना या कुछ करना, तो फिर मैं चाहती हूँ कि सारे काम मैं पहले से ही करके रखूँ। तो बस वही है, थोड़ा बहुत नाश्ता हम लोग जो कि लेकर के आए। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाभी को मिठाई में मलाई चौक पसंद
पसंद है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने इतना घूमा मिठाई की दुकान पे, लेकिन मलाई चौक हम लोगों को नहीं मिली। सो हम लोग फिर जैसे तैसे कुछ भी मिठाई लेकर के आए हैं उनके लिए। तो बस यहाँ पे यही थोड़ा बहुत नाश्ता था जो कि हम लोग लेकर के आए। और बस ये अच्छा लगता है ना जब कोई आता है मेहमान घर पे, तो उसके लिए कुछ कुछ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह भी मैंने रख दिए हैं, बुलबुल ऐप से मंगाया हुआ था तो वो भी मैंने रख दिया है, ड्राई फ्रूट्स वाला बॉक्स, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। तो सारे काम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए, लेकिन मैंने आप लोगों को ये तो बताया नहीं कि मेरे घर से कौन आ रहा है, यानी कि मेरे मायके से। और इतना तो आप लोग समझ ही गए होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं आज, और साथ ही में मामू और मेरे छोटे भाई जैकी भाई भी आ रहे हैं। तो हम लोगों ने जैकी भाई भाभी की दावत की हुई थी, तो मामू वगैरह को भी हम लोगों ने बुला लिया कि उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। हम लोग मामू भांजी की तरह नहीं रहते हैं, हम लोग एक फ्रेंड की तरह रहते हैं, तो हमारा हाँ, तो इसलिए मैंने सबको बुलाया है। बस यही था जो मुझे आप लोगों को बताना था। इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना जब कोई मायके से घर पे आता है यहाँ पे ससुराल में, तो बहुत खुशी होती है। सबको ही होती होगी भाई, एक होता है यार, क्या बोलूँ। चलिए अभी हम चलते हैं आगे। और मैंने सालन में जो कि काफ़ी टाइम से भून रहा था वो मटन, तो मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया है, तो अच्छे से हो जाएगा ये तब तक। तो नाश्ता लगाने के बाद मैंने इनको भेज दिया मार्केट, और ये लेकर के आ रहे हैं रुमाली रोटी, क्योंकि मैं सुबह से ही कामों में लगी हुई, तो मैंने इनसे मना कर दिया था कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, तो आप बाहर से ले आना। तो बस तब तक भाई और भाभी को आने में टाइम है, तब तक हम जमा लेते हैं यहाँ पे बर्तन। तो भाई सही है, नन्ही सी जान हूँ, कहाँ तक तो काम करूँगी, तो इसीलिए है ना। तो उस फटाफट से मैंने ये सारे काम कर लिए थे ख़त्म।
तो यहाँ पे जो है कि मैं ना सारी चीज़ें देख रही हूँ कि सही जगह पे रखी हैं या नहीं, और बस यहाँ पे टॉवल वगैरह रख दिए हैं, ये रूम भी थोड़ा सा सेट कर दिया है। तो मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं जो भी खाने वाने के निकले थे, और बस यहाँ पे अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, बेडशीट चेंज कर दी अपने रूम की, और ये वाली बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आप लोग देख रहे हो ना, हमारे रूम में थोड़ा पिंकी पिंकी सा लग रहा है कुछ, तो यहाँ पे मैंने कर्टन वगैरह सब जो कि लगा दिए हैं अच्छे से। और अभी आप लोग देखोगे मेरे भाई और भाभी सब लोग आ चुके हैं, तो मैं ऊपर जो छत पे थी और मामू ने मुझे फ़ोन किया कि कहाँ पे है, तो फिर मैं जल्दी से नीचे गई और बस यहाँ पे देख लीजिए सब लोग गाड़ी से तो उतर चुके हैं। वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय यशवंत जी, वेलकम जी। हेलो हेलो। रास्ते में सड़क मिली होगी खराब है ना। हाँ सही है। अरे ये कब आ गए? नहीं यहाँ तो है, यहाँ नहीं लग रही बिल्कुल भी सर्दी वर्दी कुछ भी नहीं है। हाँ वही तो। तो सबसे पहले ये लोग सब लोग पापा जी के पास बैठे हुए थे, तो फिर उनसे बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई, उसके बाद में पापा जी ने बोल दिया कि जाओ ऊपर चले जाओ, नाश्ता वाश्ता करो और फिर बैठेंगे हम लोग साथ में। तो बस ये लोग अभी ऊपर आ गए हैं, तो उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई को जो है कि मीटिंग के लिए जाना भी है, तो उनको वो बोल रहे हैं कि अब मैंने इनको छोड़ दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। तो हम लोग कह रहे हैं पहले नाश्ता तो करके जाओ फिर चले जाना, तो बस इसीलिए ये भी होता है। और भाई हमेशा पता है बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, उनको ये लगता है कि मैं अब इतने टाइम तक नहीं रह पाऊँगा, तो इसीलिए वो ना तुरंत तुरंत करते हैं सारे काम। तो बस इसीलिए मैंने बस जल्दी से पहले उनको पानी दिया, उसके बाद में नाश्ता वगैरह लगा के रख दिया था मैंने, और ये अच्छा हुआ मैंने पहले ही लगा करके रख दिया, वरना तो भाई बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मचाते हैं। तो बस इसीलिए, और ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ लास्ट में कि ये वीडियो 6 दिसंबर का है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।